ये मनीष कश्यप के समर्थक वाले जो उनके चेले चपाटे हैं, जो यूट्यूब वगैरह में काम करते हैं, वो बस विरोध कर रहे हैं। कोई महात्मा गांधी को जो गाली दे रहा है उसका बिहारी समर्थन करेगा, जो पुलिस के कांस्टेबल को मारता है, टेम्पू वाले को मारता है, और उसके अलावा बिहार पुलिस के अनुसार आदतन अपराधी है, उसका कोई बिहारी समर्थन करेगा क्या? जेल में जाकर के बताएंगे, या जब वो छूट करके आएंगे कि भैया आप देखिए वहाँ वाला सीएम आयल था तो हम पोस्टर लेके खड़ा थे, हम ट्विटर पे लिख रहे थे। रुपया का मामला है, विरोध होगा। मनीष कश्यप अभी हॉट केक चल रहा है मामला, व्यू चलेगा, व्यू आएगा तो पैसा आएगा। रंगदारी का एक मामला है, उसमें रंगदारी उसने मांगी थी, उस मसले पर वो बिहार आ रहा है। उसके अलावा चनपिटिया के विधायक, जो बीजेपी के विधायक है, कल तक जो विजय सिन्हा कह रहे थे कि भूमिहार हैं इसलिए फंसाया जा रहा है, खेतान मार्केट में कश्मीरी लोगों को क्यों मारा था, महात्मा गांधी को गाली क्यों दिया था, देश में जो तमिलनाडु और बिहार को लड़ाने की कोशिश की इसने फर्जी वीडियो के जरिए, वो क्यों किया गया? विपक्ष के बड़े नेताओं का पटना में जुटान हो रहा है, उसमें से एक है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। स्टालिन को लेकर के बिहार में कुछ लोग उन्हें गो बैक का ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पर, और स्टालिन के खिलाफ तरह तरह की बातें की जा रही है। आखिर क्या मामला है, क्यों स्टालिन को बिहार से बाहर रहने या बिहार से बाहर भेजने या बिहार में दाखिल नहीं होने देने की जो बातें ट्विटर पर ट्रेंड कराने का प्रयास किया जा रहा है, आखिर उसके पीछे मकसद क्या है, कौन लोग हैं, क्यों स्टालिन से इतनी मतलब एक तरह से सियासी दुश्मनी या सामाजिक दुश्मनी या भौगोलिक दुश्मनी हो सकती है, हमारे साथ पत्रकार सन्नी है। सन्नी जी, ये जो मामला है सब लोग स्वागत कर रहे हैं, विपक्ष और बीजेपी में एक अलग अलग मामला है कि भाई आपका अलग इशू है, लेकिन स्टालिन का जो विरोध है वो क्यों हो रहा है, ट्विटर पे सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं वो? ना सामाजिक विरोध हो रहा है, ना राजनीतिक विरोध हो रहा है। ये मनीष कश्यप के समर्थक वाले जो उनके चेले चपाटे हैं, जो यूट्यूब वगैरह में काम करते हैं, वो बस विरोध कर रहे हैं, और वो राजनेता विरोध कर रहे हैं जिनका राजनीति 20 साल से 10 साल से चल नहीं रहा है। ठीक है, मनीष कश्यप का कोई बिहारी समर्थन नहीं करता है, अगर ये कोई कह रहा है कि बिहारी लोग विरोध कर रहा है, ये फेक खबर है। काहे बिहारी इसका समर्थन करेगा? कोई रंगदार मांगने वालों को कोई बिहारी कोई समर्थन करेगा क्या? कोई महात्मा गांधी को जो गाली दे रहा है उसका बिहारी समर्थन करेगा? जो पुलिस के कांस्टेबल को मारता है, टेम्पू वाले को मारता है, और उसके अलावा बिहार पुलिस के अनुसार आदतन अपराधी है, उसका कोई बिहारी समर्थन करेगा क्या? ये भ्रम है लोगों को। ट्विटर पर ट्रेंडिंग वही लोग चला रहे हैं जो मनीष कश्यप को जेल में जाकर के बताएंगे, या जब वो छूट करके आएंगे कि भैया आप देखिए वहाँ वाला सीएम आयल था तो हम पोस्टर लेके खड़ा थे, हम ट्विटर पर लिख रहे थे, हम फेसबुक पर लिख रहे थे। वो मनीष कश्यप के समर्थक लोग हैं। रुपया का मामला है, विरोध होगा। मनीष कश्यप अभी हॉट केक चल रहा है मामला, व्यू चलेगा, व्यू आएगा तो पैसा आएगा। कोई बिहारी, कोई जो सामाजिक रूप से लोग हैं, कोई उनका विरोध नहीं कर रहा है। मनीष कश्यप के चेले चपाटे जो यूट्यूब वगैरह खोले हुए हैं, जो उनके नाम पर रोटी कमा रहे हैं, हर चीज़ में मनीष कश्यप को ला रहे हैं, वही विरोध कर रहे हैं। सोचिए कि एक रंगदारी मांगने वाला 27 तारीख को बिहार क्यों आ रहा है? आखिर कोई पूछे क्यों आ रहा है बिहार? रंगदारी का एक मामला है, उसमें रंगदारी उसने मांगी थी, उस मसले पर वो बिहार आ रहा है। उसके अलावा चनपिटिया के विधायक, जो बीजेपी के विधायक है, कल तक जो विजय सिन्हा कह रहे थे कि भूमिहार हैं इसलिए फंसाया जा रहा है, तो अब चनपटिया के विधायक से विजय सिन्हा बोले कि आखिर चनपटिया के विधायक से मनीष कश्यप ने मारपीट क्यों की थी, पटना के मरीन ड्राइव पर टेम्पू वालों को क्यों मारा था, खेतान मार्केट में कश्मीरी लोगों को क्यों मारा था, महात्मा गांधी को गाली क्यों दिया था, देश में जो तमिलनाडु और बिहार को लड़ाने की कोशिश की इसने फर्जी वीडियो के जरिए, वो क्यों किया गया? ये सवाल होने चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ बिहारी खड़ा रहेगा? बिहारी की गरिमा है, बिहारी नहीं। सवाल ये हो रहा है कि आखिरकार जो लोग कर रहे हैं उनका मकसद आखिर ये है कि भाई स्टालिन को ये बात पता है? स्टालिन ने तो सजा नहीं दी है, जो प्रशासन है, जो कानून है, न्यायालय, इन सारे मामलों में न्यायालय का सबसे बड़ा योगदान है, रोल है इसमें। तो आखिरकार स्टालिन का विरोध करने की आवश्यकता बैकडोर से कहीं बीजेपी की तरफ से वही मामला तो नहीं जो आप कह रहे हैं कि पहले ऐसे ही सपोर्ट था? देखिए, बीजेपी उस समय तक तो विरोध कर रही, समर्थन कर रही थी, लेकिन अब बीजेपी को जवाब देना होगा ना कि 27 तारीख का जो केस है, उस केस में लिखा हुआ है ना कि एक तो रंगदारी और चनपटिया के विधायक से बसलूकी का आरोप है। ठीक है, तो अब विजय सिन्हा ने इसका जवाब देंगे। और दूसरा चीज़ है कि ये बिहार जो है वो मांझी का बिहार है ही, दिनकर का बिहार है, बड़े बड़े जो योद्धा रहे उनका बिहार है। बिहारी ये जो दंगाई है, जो फर्जी वीडियो बनाता है, हालांकि भी आरोप है, उसके समर्थन में थोड़ी रहेगा। ये एकदम सरासर उनके जो चेले चपाटे हैं खुश करने के लिए कि जेल में जाएंगे चना और भूंजा लेकर के कि भैया वो आया था तो हम जो है काला झंडा लेके आए। अब राजनीतिक पार्टी इसमें कुछ लोग लगे हुए हैं, आशुतोष कुमार का नाम उसमें आ रहा है। देखिए, आप और हम, अगर हमारा कोई चीज़ नहीं चलेगा, चाहे वो पार्टी हो, दुकान हो, चैनल हो, तो हम लोग तरह तरह के
प्रक्रिया हथकंडे अपनाएंगे। हो सकता है वो हथकंडा ही उन्हीं के नाम पर उनके पार्टी का कुछ मिल जाए। कल तक वो तेजस्वी यादव को चीफ गेस्ट बना रहे थे, आज तेजस्वी यादव के जो मेहमान हैं एमके स्टालिन उनके विरोध में खड़े हैं। हालांकि उस पर भी कुछ होने वाला है नहीं। बिहार भी बंद हुआ था 50 लोग के साथ, जिसमें 30 मीडिया वाले और 20 समर्थक थे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और बिहार जो है ऐसे लोगों का कैसे समर्थन कर देगा जो बाहर से लोग आए हुए कश्मीरियों को मारता है? उसे लोगों का समर्थन थोड़ी बिहार करता है, जो रंगदारी मांगता है, जो विधायक से बसलुकी करता है, महात्मा गांधी को गाली देता है, टेम्पू वाले को मारता है, उसके साथ थोड़ी बिहार होगा। ये गलतफहमी है, ये उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है ताकि भैया को खुश कर सके, और कुछ नहीं। तो आपने सुना, ये पत्रकार सन्नी थे, इनका कहना है कि एमके स्टालिन का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि मनीष कश्यप तमिलनाडु की जेल में बंद है और उनके कुछ लोग हैं, यानी उनके ही इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। वो शायद हो सकता है कि उनको खुश रखने के लिए या उनके दर्द में दवा बनने का प्रयास या उनके सामने हाजिरी लगाने के लिए कि हमने स्टालिन का विरोध किया था, इसलिए कि आप स्टालिन के राज्य की ही जेल में बंद है, इसलिए ये सारा मामला ट्विटर पे चल रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में।